हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान की बहुत ही फेमस मक्की के दलिए की छाछ राबड़ी, जिसे हम मक्के की राब भी बोलते हैं। मक्का की राब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी सफ़ेद मक्की का दलिया, और इसे हम सबसे पहले कुकर में डाल देंगे। अगर आपके पास मक्की का दलिया नहीं हो तो आप यह घर पर भी कर सकते हैं। अब हम मक्की के दलिया का 3 गुना पानी इस कुकर के अंदर डालेंगे। आप यहाँ पर इसका 4 गुना पानी भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर 3 गुना पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे एक बार अच्छे से हिला लेंगे, इससे कि सारा जो कचरा होगा मक्की के दलिए का वो पानी के ऊपर तैर कर आ जाएगा, अगर होगा तो। अक्सर मक्की के दलिए का कचरा जो है वो रह जाता है, जिसे हम इस तरह से छन्नी से छान लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे, इससे कि हमारी राबड़ी जो है वो स्मूथ बनेगी। ये देखिए, मैंने छलनी से सारा कचरा ऊपर निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, ये मैंने सिंपल नमक लिया है। अब हम इसे 3 सीटी आने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए, 3 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन तब तक नहीं खोलेंगे तब तक कुकर का प्रेशर खुद ब खुद बाहर नहीं आ जाता। ये देखिए, हमारे कुकर का सारा जो प्रेशर है वो सब निकल चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। ये देखिए, हमारी राब काफ़ी ड्राई हो चुकी है। आप 3 की बजाय 4 गुना इसमें पानी डालें, मैंने यहाँ पर 3 गुना डाला था। ये बिल्कुल भी चिपकी नहीं है नीचे, लेकिन काफ़ी रिस्क है अगर आप 3 गुना पानी डालते हैं तो, इसलिए आप इसमें 4 गुना पानी डालें तो आपको किसी तरह की कोई रिस्क नहीं रहेगी कुकर में नीचे लगने की। अब हम सारे दलिये को एक तपेली में निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर दलिये को 50% कुकर के अंदर इसलिए पकाया है, इससे कि हमारी राब जो है वो जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। वरना मक्के की राब को बनने में आधे से 1.25 घंटे का टाइम लगता है। ऐसा करने से हमारी राब 15 से 20 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसके अंदर 1/2 से 1 गिलास पानी डालकर इसे अच्छी तरह से फैन के नीचे ठंडा होने देंगे। ये हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर दलिये का 3 गुना पानी लिया था। अगर आप दलिये का 4 गुना पानी लेते हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हमारा दलिया अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। हमें गर्म गर्म दलिये के अंदर कभी भी छाछ नहीं डालना है, वरना हमारी छाछ फट सकती है। अब हम दलिये को एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमारा दलिया जो है वो 50% तक पका है, और हमें 50% ही पकाना है। बाकी 50% हमें छाछ के अंदर बॉईल करके पकाना है, जिससे कि हमारे दलिये के अंदर छाछ अच्छे से रिस जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये 1 लीटर फ्रेश छाछ। हमें छाछ यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश लेना है, खट्टी नहीं लेना है, वरना हमारी जो राब है वो टेस्टी नहीं लगेगी। हमें 1 लीटर छाछ इसमें एक साथ डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहीं पर हमने यहाँ पर दलिये को इसलिए ठंडा किया था क्योंकि अगर हम गरम गरम दलिये के अंदर छाछ डाल देते हैं तो हमारी छाछ के फटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, परफेक्ट नहीं बनती। इसलिए हमने पहले यहाँ पर राब को ठंडा किया अच्छी तरह से, उसके बाद हमने इसके अंदर छाछ डाली है। अब हम यहाँ पर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे, गैस पर। हमें स्टार्टिंग में गैस का फ्लेम बिल्कुल लो इसलिए रखना है क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही गैस का फ्लेम हाई या मीडियम कर देते हैं तो हमारी छाछ यहाँ पर भी फट सकती है। जब तक एक उबाल नहीं आ जाता तब तक हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है, उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। ये देखिए, हमारी राब को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी राब पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। हमारी छाछ 1 लीटर से 0.5 लीटर हो गई है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि 1/2 घंटे बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी राब अच्छे से पक चुकी है। हमें स्टार्टिंग में ही इसे गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि 15 से 20 मिनट बाद या 1/2 घंटे बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको ये 20 मिनट बाद बता रही हूँ।
ये पहले से और भी गाढ़ी हो गई है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी गर्मियों का टाइम है इसलिए आप इसे पूरी तरह से ठंडा करके फ्रिज में रख दें, उसके बाद इसे खाएं। इसे खाने से पहले इसमें दो चीज़ें ज़रूर डालें, इससे कि आपकी राब बहुत ही टेस्टी लगेगी। वो दो चीज़ें हैं, काला नमक और दूसरा भुना हुआ जीरा। अगर आप इसे सर्व करने से पहले, खाने से पहले भुना हुआ जीरा और काला नमक डालकर खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये हमारी राब के टेस्ट में चार चांद लगा देंगे। आप मेरी इस रेसिपी को इस गर्मी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।